हेलो दोस्तों, आज का सेकंड स्टॉक है ये, थोड़ा मिड टर्म के लिए आपको मैं देने जा रहा हूँ। इसका नाम है सेरा सैनिटीवेयर, सेरा नाम का है। तो दोस्तों, आज इसने ब्रेकआउट दिया, एक पिनट पैटर्न फॉर्मेशन बनाया था इसने। एक स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पिनट पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है। तो दोस्तों, इसको बाय कीजिए, अभी भी बाय कर सकते हैं, या थोड़ा रिट्रेसमेंट 200 के आसपास आने के बाद आप इसे बाय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक राउंडिंग बॉटम वो कंसोलिडेशन, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इसने कंसोलिडेशन बनाने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो दोस्तों, इसे सीएमपी पे भी बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो दोस्तों, यहाँ पे 6,000 का स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। 6,000 के स्टॉप लॉस के साथ हमारा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 7,000 का टारगेट रहेगा। अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 6,390 पे, मतलब अभी भी यहाँ पे आपको लगभग 10% का प्रॉफिट यहाँ से ऊपर आपको मिलने के चांसेस है। तो दोस्तों, ये थोड़ा मिड टर्म के लिए स्टॉक है, आप इसे जरूर बाई कीजिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे ग्राफ पे भी देख सकते हैं कि लगातार कंटिन्यूसली अप ट्रेंड जा रहा है। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आज आपको दिखने मिल रहा है। तो ये पहला तो टारगेट हमारा 7,000 है। इसके बाद का टारगेट हम दोस्तों काफ़ी अच्छा रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इसका डेप्थ है उतना ऊपर चार्ट पैटर्न के हिसाब से जाना चाहिए। मतलब 8,200 का टारगेट यहाँ पे आने वाले टाइम में मिल सकता है, मगर आज के लिए हम 7,000 के टारगेट के लिए इसे बाय करना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, 6,000 का स्टॉप लॉस, 7,000 का टारगेट, आप इसे बाय कर सकते हैं।